ಬಂತು ಆ ದಿನ ಸಿಂಹಾಸನ उन्होंने नारद विरानी जी महावीर भगवान को अपने मन में धारणा करके महावीर जयंती क्यों बनाई जाती है वो बताएंगे मेरी हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड आपका अपने चैनल में दोस्तों एवी ब्लॉग्स में आपका अपना स्वागत है। आज आप सभी को पता है पूरे वर्ल्ड को कि आज महावीर जयंती है। महावीर जयंती के अवसर पर सब बाहर कहीं जा नहीं सकते, तो आज सभी ने लोगों ने जो मेरे जैन भाई हैं उन्होंने आई थिंक घर में ही पूजा वगैरह सब कुछ करा होगा। आज मैंने भी पूजा करा है, आप पूरा उसका व्यू देखना। रंगोली वगैरह बनाई है मेरी भाभी ने, भाई ने मिलके सारे मैंने मिलके सब कुछ बनाया है। पूजा भी मैंने करी है क्योंकि एक्चुअली में हम क्या है पिछले साल पूरे महावीर जयंती पे यात्रा निकलती थी, तो इस बार आपको सबको पता ही है किस वजह से नहीं निकल पाई, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता। मैं और मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे भाई उसमें आइसक्रीम वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो यात्रा में होते हैं। तो ये इतना जोरदार से प्रोग्राम बनता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। आज हमने भी अपने घर पे बनाया है, एक बार आप गाइस देखो कि मैंने महावीर जयंती घर पे बैठे के कैसे बनाई है अपने विद फैमिली के साथ। उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ इसका कि ये क्यों बनाई जाती है महावीर जयंती। कर रहे हैं अंदर पूजा, मैं अपनी विद फैमिली के साथ कर रहा हूँ पूजा। उसके बाद आगे का प्रोग्राम पहले आप देखना पूरा पूजा कैसे हो रही है, फिर उसके बाद हम कम बैक करेंगे अपने व्यूवर्स के साथ। आज जिन्होंने दीप प्रज्वलन संपन्न किया जो आपके पुण्यार्जक थे उन्होंने नारद विरानी जी जैसे कि सुबह उठ के हमने सबने रंगोली बनाई है इतनी सुंदर कि अपने घर के आगे हम अपना महावीर जयंती का ये अवसर बनाएं। फिर उसके बाद हमारे गुरु महाराज जी ने सबको आदेश दिया था कि आप घर पे बैठ के सुबह 8 बजे थाली बजानी है, उसके बाद वो अपने प्रवचन देके टीवी के अंदर कि आपको ये बताएंगे घर पे पूजा कर लो महावीर जयंती की। तो 2.5 घंटे का महाराज जी ने ये पूजा कराई है, तो आपने देखी होगी मैं भी मेरी पूरी फैमिली पूजा कर रही थी उसके अंदर वीडियो के अंदर आपने देखा, तो बहुत खुशी की बात है। मैं यही सबसे चाहता हूँ आप भी करो
इंजॉय करो। हमारी पूजा खत्म होने के बाद मेरी मदर ने और मेरी भाभी ने खाने के अंदर छोले भटूरे बनाए हैं और मीठे के अंदर खीर बनाया है। तो ऐसी हमारा शाम का भी प्रोग्राम यही रहेगा। शाम को 6:15 के आसपास हम दिए जलाएंगे अपने घर के अंदर। जो भी मेरी जैन भाई हैं एवी ब्लॉग्स को देखते हैं, जो मेरे भाई इसको लाइक भी करेंगे, तो आप भी अपने घर पर बैठ के 6:15 के आसपास आप दिए जला के महावीर जयंती का मजा आप घर में ले सकते हो। तो गाइस हमारी बारी आ जाती है पूरी महावीर जयंती के बारे में आपको बताते हुए कि महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है वो बताएंगी मेरी भाभी। आपने देख ही ली थी जो पूजा भी कर रही थी, तो भाभी आप आ जाओ और मेरे व्यूवर्स को बताओ कि ये क्यों मनाई जाती है महावीर जयंती। सबसे पहले मेरी तरफ सभी को जय जिनेंद्र और महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि सभी को पता होगा, स्पेशली जैन कम्युनिटी के लोगों को, कि महावीर जयंती है यानी 6 अप्रैल 2020 को आज के दिन। तो हम महावीर जयंती क्यों मनाते हैं, इसलिए क्योंकि आज महावीर भगवान का जन्म हुआ था, तो उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था, उसके उपलक्ष्य में महावीर जयंती हर साल पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। हमारे जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हैं, तो जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर भगवान है। तो उनका ही वर्तमान में शासनकाल चल रहा है क्योंकि वो 24वें तीर्थंकर। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था कुंडलपुर में। कुंडलपुर। तो ये जो अभी इस साल आई है उनकी महावीर जयंती, वो 2619वीं जयंती है। 2619वीं। हाँ। तो हर बार तो पूरे देश में बहुत उत्सव मनाया जाता है, झांकियां निकलती हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इस बार झांकियां नहीं निकल पाएंगी। तो हम घर में अध्ययन करके महावीर भगवान को अपने मन में धारणा करके, उनकी पूजा करके या जाप करके उनके सेलिब्रेट कर सकते हैं ये महोत्सव। और जैसे सब अपने बर्थडे पे कुछ ना कुछ बनाते हैं, वैसे ही महावीर जयंती पे कुछ अलग स्पेशल बना के उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैंने बता दिया अपने व्यूवर्स को। तो बस यही है कि धर्म का ध्यान करके हम महावीर जयंती सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू। तो गाइस जो हमारी भाभी ने आपको बताया, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा, आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा तो वो दबा देना। और सभी को मेरे जैन भाई को जय जिनेंद्र। हमारे परिवार से आपको सभी को हैप्पी महावीर जयंती। तो जय जिनेंद्र, मिलते हैं कोई नए ब्लॉग के अंदर। जब तक के लिए टिल टेक केयर, बाय बाय।